एसएमई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं डे टू, अभी तक का तो क्लियर है ना। तो अभी अपन सिंपल इसमें एक वीडियो लेके आते हैं। अभी अपन आज देख लेते टूल्स सारे। तो जब भी अपन चेंज करते हैं ना, अभी वो कह रहा है ये मेरा बार बार यहाँ पहुंचा, कल भी अपन ने इधर रख दिया था इसको, तो यहाँ पे क्या था मैंने सेव नहीं किया था उसको। तो ये वर्क फ्लो के आगे जैसे जो भी सिलेक्ट रहेगा तीन डॉट और यहाँ पे आएगा सेव चेंज टू दिस वर्क, तो जो अपन ने चेंज किया ना वो सेव हो जाएगा। सेव नहीं किया तो लास्ट जो था वही वाला हर बार खुलेगा ना, अभी हमेशा ऐसे ही खुलेगा जब भी मैं खोलूँगा इसको। ठीक है, तो अपने यहाँ पे आ जाते टूल सारे। सबसे पहला तो सिलेक्शन टूल अपना, ये कुछ भी करना है तो सिलेक्शन टूल, अगर दूसरा है लिया है टूल अपन ने तो उसका सिलेक्शन करेंगे तभी जाके वो अपन मूव कर सकते चीज़ों को। वी शॉर्टकट रहेगा इसका ना, शॉर्टकट देखना हो तो यहाँ पे कुछ मत करो, छोड़ दो यहाँ पे लाके, अगर तो ये अपने आप दिखा देगा सबसे टूल्स के शॉर्टकट, है ना, कभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने ये वाला टूल देखा था कल, है ना, सिलेक्शन का, सब एक साथ सिलेक्ट जितनी भी लेयर्स हो सबको एक साथ कर लेता है। तो यहाँ पे गए थे अपन, अभी अपना ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड था, तो इससे क्या होगा मैं आगे के कर पा रहा हूँ। अब मान लो मैंने, जैसे अगर मैंने यहाँ पर इस जगह पर गया और यहाँ सिलेक्ट किया, तो देखो उसने क्या किया उसके आगे का, अब ये लेयर को भी इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके आगे है ये लेयर, इसलिए इसको भी ये सिलेक्ट कर रहा है इसके साथ में। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस जगह पर, तो देखो उसने उसको नहीं लिया है, इसको लिया है, मतलब इस एरो के आगे जितनी भी चीज़ें भले वो पीछे तक खींची हो, अगर एक ही वीडियो है तो वो उसको भी लेगा। अब उनको पीछे का अगर करना है तो सेम इसके अंदर बैकवर्ड आ जाता है, इससे अपन पीछे का ले सकते हैं, है ना, तो जहाँ एरो रहेगा उसके पीछे के अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे सिंपल टूल है ये, है ना। इसके बाद अपना आता है यहाँ पे रिपल एडिट टूल। अब रिपल एडिट के अंदर अपने को चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम जो करेगा रिपल एडिट टूल का ये रहेगा, मान लो अपन ने कोई वीडियो है अपना, ठीक है, और ये इसकी ये स्पीड है, इसको ऐसे लो स्लो फास्ट करने के लिए। सबसे सिंपल कोने पे जाओ, एक मिनट, स्लो फास्ट वाला ये नहीं है, गलत बता दिया हूँ, उसी के अंदर है स्लो फास्ट का सबसे लास्ट में। ये जो दो है ना इसका काम दूसरा है, इसका मैं बता रहा हूँ। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो मान लो अपन ने कोई वीडियो लिया, ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर है, ठीक है, ये एक वीडियो अपन ने यहाँ पे डाला। अच्छा, वीडियो के लास्ट में जब भी अपन, जैसे अपना सिलेक्शन टूल है, वीडियो के लास्ट में जाएंगे देखो चेंज हो गया, है ना, इसका मतलब ये कि वीडियो का जो एंड है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हो, एंड या स्टार्टिंग, ठीक है, इससे अपन नॉर्मल जैसे ट्रिम कर रहे हैं अपन, है ना, तो ये टूल सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में काम करेगा। वीडियो के लास्ट में छोटा सा दिख रहा है कॉर्नर ये वाइट वाला, इसका मतलब वीडियो यहाँ पे एंड हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब इसके पीछे वीडियो है। अब ये देखो यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ वीडियो एंड हो गया, अभी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक, हाँ आइट साइड से अपन ट्रिम कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, कोने पे लाके अपने आप चेंज हो जाएगा वो ये। अब मान लो अपन यहाँ पे मैंने ये वीडियो रखा ये वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मुझे ये शॉट, एक शॉर्टकट और, जैसे कभी अपने को इसके साथ चिपकाना है तो यहाँ पर ये मैग्नेट वाला ऑप्शन ऑन देना चाहिए, इसको छोड़ देंगे अपन तो ये एग्जैक्ट जाके देखो पास में गया, लग रहा है चिपक गया वो, पर वहाँ पे रहेगा वो, देखो
हल्का फुल्का रह ही जाता है ना, और उसकी जगह अगर अपना ये मैग्नेटिक सिलेक्ट है तो इसको जैसे तुम पास लेके जाओगे अपने आप चिपक जाएगा, ये एक फ्रेम में अपने आप चिपक जाएगा, स्नैप करेगा, वो स्नैप वाला काम करेगा ना, तो ये स्नैप करने के लिए रहता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि मान लो स्पेस है, अपने को पता है कि इसको यहाँ चिपकाना है, सिलेक्शन टूल लो, यहाँ पे खाली जगह सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। तो उसने डिलीट कुछ नहीं करा है, जो खाली स्पेस था उसको सिर्फ डिलीट कर दिया, और अपनी फुटेज कितनी भी हो आगे वो सब पास में ले आएगा। वो ऐसे काम करा जैसे अब ये इतनी दूर है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये पास आ गई। तो इसके आगे जितना भी है ना, उसने टाइमलाइन को ही डिलीट कर दिया उतना उतना, तो जितना भी फुटेज है सारा एक साथ खिसक के आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। अब आते हैं अपन रिपल एडिट में। तो रिपल एडिट क्या करेगा, जैसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मल अपना सिलेक्शन टूल है, अगर इस वीडियो को मैं यहाँ से ट्रिम करा मैंने, तो मेरे को पता है कि मेरे को वीडियो रखना है, अगर जैसे इतना ये वाली कार को फोकस करते हैं अपन, ठीक है, ये रेड, ये जो वाइट कार है बस ये यहीं तक है, इसके आगे नहीं जाना है मुझे, यहाँ से वीडियो कट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्शन टूल है तो मैं इसको ड्रैग कर दूँगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर फिर मुझे इसको चिपकाना पड़ेगा, या तो ऐसे लेके आऊँगा, तो यहाँ तो हो जाएगा काम अपना, लेकिन अगर मान लो कोई फुटेज यहाँ ऊपर रखी है अपनी इस जगह पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर कुछ भी कॉपी करके ला रहे ना अपन, अगर अपन ने इसके ऊपर रख दिया तो नीचे वाला कट होके वो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो ये ऊपर रखा है, अब मेरे को ये डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से जैसे डिलीट करूँगा तो देखो ये मेरी लेयर इसके ऊपर भी चढ़ गई है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पर रिपल एडिट टूल करते हैं, जैसे मुझे इसको यहाँ खसकाना भी है साथ के साथ, और इसको ट्रिम भी करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में स्पेस आए, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी लेयर्स है, तो हो सकता है जब वो खसके या इनको मूव करूँ मैं यहाँ से करूँ तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी के साथ साथ ये भी मूव हो। तो मैं सिंपल रिपल एडिट में जाऊँगा, यहाँ सिलेक्ट करूँगा, अभी देखो इसका आइकन आ रहा है येलो, तो अपना नॉर्मल सिलेक्शन वाले का आइकन आता है रेड, है ना, तो इससे पता लग जाता है कि रिपल एडिट सिलेक्ट है। मैं इसको जाऊँगा कॉर्नर पर और यहाँ से इसको लेके आऊँगा इधर। अब मैंने मार्कर रख रखा है मेरा कि हाँ वो कार जो अपनी वहाँ पे क्रॉस की थी इस जगह पे ये है ना, तो देखो इस जगह तक मेरे को लेना है, और इधर देखो दो विंडो दिखा रहा है, ये अगले वीडियो की दिखा रहा है जो आगे वाला वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगा, और मैं जैसे ही छोड़ता हूँ ये अपने आप चिपक गया वीडियो में, है ना। अब वो वीडियो जो दोनों विंडोज़ में दिखाया था वो यहाँ से ये चेंज हो गया, मतलब बीच का स्पेस नहीं आया है। ये चीज़ें देखो ये ऐसी है, ये यूज़ नहीं होती है, और मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ ना, कभी इनका काम पड़ता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में पड़ता है, टूल्स पता होना चाहिए अपने को, बस इसलिए बता रहा हूँ, तो ये चीज़ इतना कोई खास काम नहीं करती है, है ना, ये इसी के लिए। अब मान लो बढ़ाना भी है मुझे, अब जैसे अपन कट वाले में तो अपन कर सकते थे ऑप्शन, कि भैया यहाँ पर ये था, इतना था ये वीडियो, तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये तो कट कर दिया मैंने, लेकिन अब मान लो मेरे को बढ़ाना है इसको, तब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा ही नहीं सकता, छोटा कर सकता हूँ पर आगे क्योंकि स्पेस कुछ है नहीं तो बढ़ा नहीं सकता हूँ मैं। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास 500 फुटेज का मेरा वीडियो बना हुआ है, सारी लग जड़ी आगे लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है, तो मुझे सबको सिलेक्ट करके या तो खसकाना पड़ेगा, और उसमें भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना खसकाना, मेरा वीडियो कितना बड़ा है, जो मुझे चाहिए वो कहाँ पर आ रहा है इसमें। जैसे ऐसा अब इस वीडियो में वो कार, अब मेरे को चाहिए कि कार जो है ये बाहर निकल जाए पूरा वीडियो से, है ना। अब ये मुझे इसके पास में है सारा, मैंने लेयर्स खसकाया कि यार वो कार यहाँ तक तो आ रही है, मुझे बाहर निकालना है, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, आगे खसकाऊँगा और यहाँ इसको फिर आगे खसकाऊँगा, नहीं गई कार, फिर सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं आगे लेके गया, फिर यहाँ से खसकाया तो ले ज़्यादा ही आगे निकल गई, फिर वापस लेके आओ ये यहाँ पर, तो ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से रिपल एडिट लिया सिंपल, और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आगे खसका दिया, ठीक है। तो ये मुझे कार आउट करनी थी, ये आउट कर दिया मैंने, ये छोड़ दिया। तो उसने क्या करा कि बाकी फुटेज को कुछ नहीं छेड़ा, सेम एज इट इज आगे तुम्हारी जो भी एडिटिंग है वो उसको शिफ्ट कर दिया अपनी तरह से, तो तुमको बाकी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सेम इसमें जैसे यहाँ पर मैं छोटा कर रहा हूँ, तो ट्रिम करना है वो इजी है, पर जब आप एक्सटेंड करना होगा ना वहाँ दिक्कत आएगी, तो इसलिए अपन ये वाला टूल यूज़ करते हैं कि हाँ चलो ठीक है यहाँ से अपन आगे बढ़ा दो।
आगे वाले जो अगली फुटेज रहेगी ना इसके बाद वाली, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। उसके साथ लेयर्स में अगर आगे और भी डला है वो भी एज इट इज रहेगा, सब सब सेम रहेगा। अपने को बस ये शॉर्ट करना था, जैसा ये यहाँ पर मान लीजिए मछली यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ तक ये आ गई। उसके लिए फिर अनलिंक करना पड़ेगा ऑडियो को, वो बता दूंगा मैं, आगे बताऊंगा मैं। अभी अपन सिर्फ टूल्स टूल्स देख रहे हैं ना, ठीक है, ये हो गया। अब सेम इसके अंदर एक और होता है रोलिंग एडिट टूल, ठीक है। अब रोलिंग एडिट टूल क्या करेगा, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर्स है, जैसे अभी अपन जब रिपल एडिट कर रहे थे तो वो कह रहा था कि अपन जिस फुटेज को सिलेक्ट कर रहे थे ये वाला, जैसे अपन इस फुटेज को कर रहे थे, अभी ये फुटेज, ये वाली फुटेज को ध्यान रखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी। एक मार्कर बना लिया करो, ये जो रूलर रहता है ना ये इसलिए रहते हैं साथ के, अपन यहाँ से उठा के लाओ लाइन और रूलर बना लो। जैसे मैंने ये सेट कर लिया कि मेरी फुटेज जो है ये यहाँ पर, ये मछली है अपनी, इसके अंदर बना दिया हमने बॉक्स, तो मेरे को याद रहेगा कि ये मेरी फुटेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं जब रिपल एडिट लगा रहा हूँ इसको, मैंने आगे कर दिया, अब मैं उस शॉट पे जाऊँगा तो देखो मेरी वो शॉट वही है, मतलब उस शॉट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अपना रिपल एडिट के बाद रोलिंग एडिट पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको शॉट को चेंज करता हूँ, खसकाता हूँ, ठीक। अब देखो अब अपना जो शॉट है वो आगे वाला चेंज हो गया, मतलब रोलिंग एडिट क्या करेगा, दोनों शॉट को, अगर दो शॉट है तो तुम्हारा, अगर इसको खसका रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो तो इस वाले को कट कर देगा, इसको बढ़ा रहे हो तो इस वाले को कट कर देगा, उसके आगे जितने भी रखेंगे ना इनको कुछ नहीं छेड़ेगा, वो इनको खसकाएगा भी नहीं, मूव भी नहीं कर रहा। रिपल एडिट में क्या था कि रिपल एडिट में वो सबको आगे मूव कर देता है, या तो आगे या पीछे, जैसे भी अपन करते। ये देखो इस शॉट को भी ले आया पीछे, वो यहाँ से अपन ने आगे किया तो इसके आगे वाले शॉट को भी आगे लेके चला गया, लेकिन ये करेगा ये, हाँ ये इन दोनों शॉट पे सिर्फ काम करेगा, बाकी उसको कुछ नहीं छेड़ेगा। जिसको बढ़ा रहे हो उसके अपोजिट वाले को कट कर देगा, सिंपल है इतना यहाँ से, ताकि अपने को बिना बाकी को एडिट किए अपन इन सिर्फ दो फुटेज में अपन कर सकते हैं, तो ये ऐसे अपन इनको आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद अपन नीचे आते हैं, उसी के अंदर नीचे मिल जाता है अपने को रेट स्ट्रेस टूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल स्लो मोशन फास्ट स्लो फास्ट करने के लिए, है ना। जैसे अपने कार इतनी स्पीड में आ रही, नॉर्मल आर शॉर्टकट है इसका, सिंपल ही आएगा, लास्ट में जाओ देखो चेंज हो रहा है और इसको पकड़ के पास कर दिया मैंने, तो ये हो गया फास्ट, ये हो गया, ठीक है। वहीं सेम इसको पकड़ के अगर मैं खींच देता हूँ तो ये हो गया स्लो, हाँ स्लो करेंगे तो स्लो हो जाएगा फुटेज के, हाँ उसको स्लो फास्ट कर। अब देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखा रहा है, मैंने उसको कितना 32% स्लो कर दिया है, नॉर्मली 100% रहता है, अपने को देखना है कि अपने नॉर्मल स्पीड में लाना है, उसको वापस ले आओगे 91 हो गया, अब वो माइनस में जा रहा था 98 97 98, समझ लो, तो ये ऑलमोस्ट तो सेम स्पीड है ना, तब ये नॉर्मल स्पीड है। तो जब भी स्लो करना है तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसको स्ट्रेच कर दो। अब ये FPS पे डिपेंड करता है कि कितना स्मूथ होगा, 60 FPS है तो उसको तुम डबल तक 200 तक खींच सकते हो, है ना, तो वो हो जाएगा बढ़िया। लेकिन अगर 30 FPS है तो उसको ज़्यादा स्लो नहीं कर पाओगे। जैसे ये अपना कितना है, ये 24 FPS है, इसलिए इसका स्मूथ जो आएगा वो इतना दिखेगा ही नहीं कि ज़्यादा स्लो है, देखो अभी से ही जग खा रहा है वो, क्योंकि अपन ने ज़्यादा उसमें किया ही नहीं है स्लो उसको। दूसरा स्कूटर लेते हैं नॉर्मल, जैसे ये फुटेज है ना, ये भी 24 ही है,
ये वाला ये डाउनलोड करते समय ऑप्शन रहते हैं वहाँ से, थर्टी वही हुआ होगा डाउनलोड। ये यार चलो समझ आ गया ना कि अपना जो जितना ज़्यादा FPS होगा ना स्मूथ उतना हो जाएगा। बस नॉर्मली जैसे ये इतना चल रहा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये स्लो हुआ है थोड़ा, और कर सकते हैं इसको, ये हो गया है ना। तो अपन अपने हिसाब से शॉर्ट में देख लो कि भाई अपने को कितना स्लो चाहिए कितना फास्ट चाहिए, और वो एडिट करते समय से समझ में आ ही जाता है अपने को शॉर्ट के साथ साथ। तो ये तीनों टूल आ गए समझ में, है ना। उसके बाद अपने पास यहाँ पर सिंपल कट रिजल्ट जैसा दिख रहा है, तो ये शॉर्टकट रहेगा इसका कट, सिंपल किसी वीडियो को कट करना हो तो कट कर सकते हो, कट करके सिलेक्ट करना है डिलीट करना है हटाना है आगे पीछे करना है जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये कट करने के लिए रहता है वीडियो, जैसा अपन जब सिलेक्शन टूल बताया था ना मैंने कि स्टार्टिंग और आखिरी का ट्रिम कर सकते हैं, है ना, लेकिन अपने बीच से कट करना है तो अपन सी प्रेस करेंगे और ये बीच से कट करके इसको हटाना है या छोटा करना है या वापस जोड़ना है या बीच में कोई दूसरा शॉट डालना, ये वाला शॉट बीच में डाल दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद फिर अपन नीचे आते क्लिप टूल, है ना, क्लिप वो फिसलने वाला, ठीक है, और स्लाइड खसकाने वाला। क्लिप टूल क्या करेगा, अपना जो फुटेज है, फुटेज के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कट वाले हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे नहीं समझ आएगा अपने को, चार फुटेज अलग अलग लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये फुटेज है मेरे पास स्पेस इतना ही है, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर चाहिए कि इसके आगे का फुटेज यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए अगर मैन्युअली करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको या तो ऊपर ले जाऊँगा, इसको आगे हंसाऊँगा यहाँ तक, इसको मैं कट कर दूँगा और फिर इसको उठा के ले आऊँगा। तो ये मेरे पास उसके आगे का शॉट मिल गया, है ना, ये कैमरे के पास है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरे को इसके भी आगे का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली कि इसको आगे तक हंसाऊँगा और यहाँ से इसको कट कर दूँगा, या नॉर्मली सी से कट कर दूँगा यहाँ तक। मैग्नेट ऑन है ना अपना, तो स्नैपिंग हर जगह करेगा, देखो ये कर रहा है ना, ये कॉर्नर कॉर्नर पे स्नैपिंग करेगा। तो मेरे को चाहिए कि मेरे को इसके बराबर का यहाँ से कट करना है, मैं यहाँ आऊँगा, ये कट लगा दिया, पीछे वाला डिलीट कर दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो इसके लिए अभी कर सकते हैं अपन, खाली स्पेस है, टाइमलाइन अपनी भरी रही तो उसको कैसे करेंगे, फिर कहाँ लेके जाएंगे फुटेज कट करने के लिए। मान लो इसके ऊपर अपने यहाँ पे भी वीडियो है, यहाँ पे भी वीडियो है पूरा, इधर भी वीडियो है, इधर भी वीडियो है। अब मेरे को इसका आगे और फुटेज निकालना है तो कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ आगे तक भरा है, यहाँ आगे तक भरा हुआ है। तो उस कंडीशन में फिर अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे स्लिप टूल। स्लिप टूल क्या करेगा, अपना जो वीडियो है ड्यूरेशन वही रहेगा, उसके अंदर का जो वीडियो है ना उसको चेंज कर दे। अभी अपन देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रही है अपनी, इसकी आँख है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है, इसकी पूँछ है यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लिप टूल लिया, यहाँ से इसको मैंने मूव कर दिया। तो देखो अपना ये वाला जो दिखा रहा है विंडोज़, ये स्टार्टिंग का और ये एंड का दिखा रहा है। तो अपना जो था ये था, स्टार्टिंग ये थी और एंड ये था, है ना, इस फुटेज के अंदर। अब मैंने यहाँ से इसको जैसे चेंज करा ना, देखो अपना ड्यूरेशन वही है, स्पेसिंग भी वही है, प्लेसिंग भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन अपना जो वीडियो था ना वो अंदर से चेंज हो गया। अब देखो, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखो, ये देखो, ठीक है, मतलब अपने को वीडियो को यहाँ टाइमलाइन से बिना छेड़े वीडियो को अपने को कैसे चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो खाली जो अगर मान लो ये खाली अपने पास में टाइमलाइन है तो इससे इजी ये पड़ता है कि अपन यहाँ से पूरा खींच दो इसको, यहाँ से देख लो अपने हिसाब से,
और कट लगा दो कि मैं यहाँ से लेना है, सी प्रेस करा मैंने, यहाँ से यहाँ तक लेना है, सी प्रेस किया, आई साइड का मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये मेथड इजी है, लेकिन कब, जब आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग है, बहुत सारा भरा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यार बहुत मेरी टाइमलाइन भरी है, मान लो 3 मिनट तक की, तो मैं इसको छोटा करूँगा, 3 मिनट तक जाऊँगा। अब यहाँ तक तो पूरी भरी है टाइमलाइन, अब ये चीज़ अगर मेरे को करनी है तो मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊँगा, और यहाँ से फिर कट करूँगा, देखूँगा, फिर इसको जूम करूँगा, तो वो लंबी मेथड है। तो उसकी जगह फिर अपन ये वाला डायरेक्ट टूल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, स्लिप टूल, तो ये अपना डायरेक्ट वीडियो को खसका देगा और इसमें दिखा देगा कि तुम्हारा भी एंड। अभी अपन ये जो चीज़ करेंगे ना मैन्युअली, उसमें अपने को मालूम नहीं है, तो उसमें अपने पहले पूरा प्ले करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट साइज़ कहाँ है कहाँ नहीं। इसके अंदर अपने को ये प्रॉपर दिखा देगा कि भाई तुम्हारा स्टार्टिंग फ्रेम क्या है और लास्ट फ्रेम क्या है, तो अपने को वो मालूम पड़ जाएगा कि मुझे यार शॉट कौन सा लेना है, कहाँ तक लेना है। ठीक है, अब सेम इसमें आएगा स्लाइड टूल। स्लाइड टूल क्या करेगा, जो अपना वीडियो है, जैसे ये वाला वीडियो है, मुझे इसका बढ़ाना है, ठीक है, इस वाले वीडियो का, और तो मैं इसको उठा के जिधर भी खींचूँगा वो साथ वाले वीडियो के आगे पीछे वाले का बढ़ा देगा। अभी अपन ने जो इसके पहले रिपल एडिट में किया था, उसमें क्या था कि ये वीडियो को ट्रिम कर रहा था, तब ये अपने आप बढ़ रहा था। अभी मुझे ट्रिम करना ही नहीं इस वीडियो को, मुझे तो इस वीडियो का स्पेसिंग बढ़ाना है। मान लो मेरे पास में अभी बहुत सारे वीडियोज हैं, ठीक है, अब मेरे को ये करना है कि मेरे को इस वीडियो के आगे और वीडियो चाहिए था, लेकिन अब जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करके या तो आगे खसकाऊँगा, है ना, उसके बाद में फिर इसको बढ़ाऊँगा, या कम भी करना है तो मैं इसको कम कर दूंगा, फिर मुझे सबको सिलेक्ट करके वापस लाना पड़ेगा। तो उसकी जगह अपन यहाँ पर स्लाइड टूल करते हैं। स्लाइड टूल में इसको सिलेक्ट किया, इस वीडियो को उठा के मैं लाया, देखो अपने आप बढ़ गया ये वीडियो, बाकी का मेरा कोई छेड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं करना पड़ा, तो अपने आप मैंने सेट हो गया कि हाँ ये, और ये इतना बढ़ेगा जितना ही वीडियो है, अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये एंड आ गया वीडियो का, मेरे को कम करना है तो मैंने कम कर दिया, तो ये वीडियो का कम हो गया। तो जैसे अपन ने, मैंने म्यूज़िक के ऊपर सेट किए, मेरे सारे ये सब कुछ सेट है, सिर्फ यहाँ पर बीट आगे पीछे हो रही है, तो मुझे जो चाहिए था वो ये वाला फुटेज जो है वो बीट यहाँ पे है, तो इस बीट पर ये फुटेज स्टार्ट होना चाहिए था, और बाकी सब जमा हुआ है मेरा, इसके पीछे भी जमा हुआ है, तो दिक्कत होगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से स्लाइड टूल लूँगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आऊँगा, ये मेरी बीट पे आ गया, ना मेरा ये वीडियो कट हुआ, ना मेरा आगे का कुछ छेड़ा, और मेरे को जो फुटेज चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई। सेम इसमें बीच वाले से भी कर सकते हैं अपन, जैसे बीच वाले को सिलेक्ट करा, स्लाइड करा, तो इधर वाले को बढ़ा दिया और इधर वाले को उसने कट कर दिया। मतलब जिस फुटेज को, जिस भी क्लिप को अपन सिलेक्ट करेंगे ना एडिट, उसके आगे पीछे वाले पर वो इफेक्ट डालेगा, लेकिन बाकी टाइमलाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये उसका इधर क्या, तो ये बढ़ गया, ये छोटा हो गया। अभी सिर्फ ना टूल्स ध्यान रखो, जब एडिट करोगे ना तब वो चीज़ प्रॉपर समझ में आएगी कैसे काम कर रहा है, कि अभी ये फुटेज कुछ काम की है नहीं अपने, इसमें ना म्यूज़िक लगाया अपन ने, तो ये टूल्स अभी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि यूज़ क्यों करेंगे इसको, पर जब बनाएंगे ना उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। और उस टाइम पे तुम्हारा खुद का बनेगा कि मेरे को ये ज़्यादा ईजी पड़ रहा है या मैनुअली ज़्यादा करना ईजी पड़ रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर रहता है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आ जाता अपना यहाँ पर पेन टूल। पेन टूल बेसिकली क्या करेगा, मास्क बनाने का काम करता है। नॉर्मल किसी भी चीज़ पे मास्क बनाना है तो पेन टूल से अपन मास्क बना सकते हैं, ग्राफिक्स कर अपना यहाँ पर एक नई लेयर सिलेक्ट हो जाएगी ग्राफिक्स की, है ना, और इसके और भी बहुत काम है, तो वो अपन बाद में आगे देखेंगे साथ के साथ में। जैसे अपने को मान लो ये रिमूव करना है, इसमें से हटाना है, इतना इतना लेना है, मास्किंग करना है, तो वो अपन आगे देखेंगे डिटेल में। तो पेन टूल का काम सीधा सीधा मास्क करने का, ये उस काम में जो शादी वादी होती है और बस फोटो से निकाल के अलग अलग निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ, वीडियो में मतलब ये कट करने के लिए रहता है ना। इसी के अंदर देखो पेन टूल के साथ में दो ऑप्शन हो रहे हैं, रेक्टेंगुलर क्या करेगा, सिंपल रेक्टेंगुलर बना देगा, यहाँ पे जाएंगे अपन सर्कल लेंगे, सर्कल सीधा सर्कल बना देगा, ठीक है। अब इनको हाँ वो अपन अपने हिसाब से मैनुअली कर सकते हैं, जैसे इसके बाद मान लो जैसे सर्कल बना रहा हूँ मैं, अभी सर्कल ऐसा ऐसा प्रॉपर गोला नहीं बना तो शिफ्ट दबा दिया, तो ये एक्सपेक्ट रेशियो में काम करेगा उसके प्रॉपर, है ना, ठीक है। तो अभी इसका बस इतना ध्यान रखो कि पेन टूल और ये तीनों चीज़ें शेप बनाने के काम की है ना। इस पर अपन मास्किंग भी करेंगे आगे जाके, और बहुत सी चीज़ें आती है इसमें, तो वो आगे देख लेंगे अपन। उसके बाद नीचे सिंपल आ गया हैंड टूल। अभी हैंड टूल का काम क्या है, देखो टाइमलाइन खसकाना, ठीक है, चीज़ों को इधर जैसे बहुत सारी चीज़ें काम करेगा ये इन दो जगह पर। जैसे मैंने इसको अगर
ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है इन टूल का, सिर्फ ये खसकाने के लिए रहता, टाइमलाइन को खसकाने के लिए, ये मूव करने के लिए बस, इसके अलावा इसका और कोई काम आता ही नहीं है इन टूल, ठीक है। जूम टूल जूम करने के लिए ये नॉर्मल, तो ये अपने को शॉर्टकट पता ही है, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल करोगे तो छोटा, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल करोगे बड़ा, सेम वही जूम वाला, ये जूम कर रहा है, ऑल्ट दबा के करोगे तो जूम आउट कर देगा, है ना ये। और नॉर्मली हैंड टूल जो अपन कर रहे थे हैंड टूल, वो अपन शिफ्ट दबा के आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट करेगा, स्क्रॉल करेंगे तो, और शिफ्ट के साथ आगे पीछे करेगा, वही टूल वही वाला इनका काम है, है ना। तो वो मैनुअली ये यूज़ करना तो मर्जी है, पर इतने शॉर्टकट है अपने पास ड्रैग करने के, तो अपन बार बार वहाँ जाओ, फिर जूम लो, फिर जूम करो, फिर यहाँ जूम करना, इधर करा, इधर जूम करना है, तो उसके अच्छा अपन स्क्रॉल कर लेते ज़्यादा ईजी पड़ता है काना हो, है ना। उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल, नॉर्मल टेक्स्ट टूल टाइपिंग के लिए होता है, कहीं भी टाइप करना है उसके लिए रहता है। टाइप के अंदर फिर टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी अंदर अंदर, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, अपन एक ही टाइप किया हॉरिजॉन्टल, सेम इसमें आता है एक और टूल वर्टिकल, इसमें करेंगे तो ये वैसे टाइप हो जाएगा, तो ये भी अपन डिटेल में फिर देखेंगे, ठीक है। सिर्फ ये इतने ही टूल्स रहते हैं, इसके अलावा टूल्स है ही नहीं प्रीमियर में, बस सारा काम इनसे होता है, और इनसे होता भी नहीं गिनती के चार टूल्स देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपना अप्लाई, ठीक है, उसके बाद अपना सिलेक्शन टूल के बाद में अपना स्लो फास्ट करते हैं तो अपन ये अपना स्ट्रेस टूल, रेजर टूल और टेक्स्ट, ये चार टूल है जो बहुत मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। जिसमें से टेक्स्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, किसी वीडियो में लगाना लगाना नहीं लगाना नहीं लगाना है, बाकी ये तीन टूल तो आप मान के चलिए तुमको सिलेक्शन तो लगेगा ही लगेगा सब जगह, कट तुमको हर वीडियो में लगाने पड़ेंगे, और स्लो फास्ट तुम कैसा भी वीडियो एडिट करोगे तो उसमें ज़रूरत लगेगी लगेगी, तो ये तीन टूल तो ऐसे हैं कि हमेशा हर वीडियो में काम आएंगे। टेक्स्ट जो है वो ऑप्शनल है, जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ यूज़ करेंगे, और बाकी इन टूल्स का यूज़ नहीं होता है मेरे साथ, है ना। तो बस टूल्स ये देख लो आज आज में, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका भी छूट जाएगा, है ना। तो इसको कल अपन वापस रिवाइज भी कर देंगे,